बरसात के साथ ही हरियाणा में चुनावी मौसम है और चुनाव के इस मौसम में नेता एक दूजे पर कटाक्ष करने से पीछे नहीं है। कांग्रेस नेता व पूर्व सीएम हुड्डा ने मनोहर सरकार पर जवाबी तंज कसे निशाना साधते हुए हुड्डा ने कहा कि जनता जब करवट लेती है तो तख्तो ताज अक्सर हिल जाया करते हैं। आपको ये बता दें कि बाकी नेताओं की तरह हुड्डा भी इन दिनों चुनावी मोड में है और सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत हुड्डा यमुनानगर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने सरकार के कामकाज पर सवाल तो उठाया ही, साथ ही तीखा हमला भी बोला। हुड्डा ने कहा कि सरकार तो दो मुंह ही है, जो कि दोनों मुंह से हरियाणा को लूटने का काम कर रही है। हरियाणा उन राज्यों में से है जिस पर बजट से ज्यादा कर्जा है। प्रदेश कर्ज और बेरोजगारी में डूबा हुआ है। कानून व्यवस्था बदतर हो चुकी है। कुछ ऐसे ही शब्दों के साथ हुड्डा ने हरियाणा की मनोहर सरकार पर आरोप लगाए। हुड्डा ने कहा कि हत्या, रेप जैसे अपराधों में हरियाणा दूसरे नंबर पर आ चुका है। हरियाणा तेजी से पिछड़ रहा है। यमुनानगर में पॉपुलर धान और गन्ने की फसल प्रमुखता से होती है, लेकिन किसानों को फसलों का भाव नहीं मिल पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।